गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। एक नए ब्लॉग में आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं गुलावट लोटस वैली, जो कि इंदौर से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। वहाँ पे आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। जब भी आप आते हैं इंदौर तो विजिट कीजिए, एक बार ज़रूर जाइए। वहाँ पे प्री वेडिंग फ़ोटोशो भी होता है, आप लोग को हम दिखाएंगे। बोटिंग के लिए राइडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो मज़ा आने वाला है काफ़ी आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम निकले हैं विजयनगर से, जो कि मेघदूत गार्डन आता है फर्स्ट में। यहाँ भी काफ़ी अच्छा घूमने, मतलब इंदौर का सबसे बड़ा गार्डन है, ठीक है? यहाँ से निकले हम लोग। मेट्रो का जो आप विजयनगर से आप आते हो, तो कहीं भी ज़्यादा आपको ज़्यादा टर्निंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप विजयनगर से सीधा जो मेट्रो लाइन गई है, यहाँ सीधा जाएगा सुपर कॉरिडोर, ठीक है? सुपर कॉरिडोर से आप सीधा गुलावट लोटस वैली के लिए आप जा सकते हो। मम्मी पापा को भी बैठा देंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी बारिश भी हो रही है, लेकिन हम लोग आज माइंड में था कि आप लोगों को दिखाएं तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि बारिश टाइम में भी काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ। बारिश टाइम पे ही रिवर वहाँ पे है, जो कि उसमें आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। आप लोग काम दिखाएं, जिसके साइड में काफ़ी पानी लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी फिसल जाए, बहुत धीरे धीरे हम लोगों ने क्रॉस किए, काफ़ी पानी भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बारिश भी नहीं हुई और इस पर अच्छी भी हो गई, बारिश में ऐसा लग रहा था कि साइड में होटल भी बने हुए हैं। यहाँ से हम लोगों ने कितना पानी लगा हुआ है। देखो दोस्तों कितना पानी है यहाँ पे गाइस। ये हम लोग को माइंड में था कि आज जाना है, कितनी पानी है कितनी है, लेकिन जाना है आज। अब लोग दिखाने का हम लोग माइंड में था कि आप लोग दिखाएंगे आज ही। आप लोग बताइए साइड में कितना पानी है, तेज हो रहा है काम। अरे नहीं, अभी नीचे के छींटे टेस्ट कर लो, तो काफी बारिश हो रही है। फिर नीचे कैसे आएंगे, ऊपर कहेंगे ना। अरे अभी तेज तेज उठ रहे थे ना छींटे, तब आगे पर हम उठ गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी है। अरे ये सारे तो नदी निकल गई है, मुझे बिल्ली वाली गंगा है। आगे गए हम लोग, मतलब जूता दिख रहा था बहुत सारे पेप्सी, तो सोचे चलो खा लेते हैं, तो भैया से बनवाए थे। ये देखिए गाइस, बस जस्ट पहुंचने वाले हैं, लगभग नियर बाई 5 से 7 किलोमीटर होगा। हम लोग काफ़ी डिस्टेंस भी निकल चुके हैं, मतलब जो सिटी है इंदौर सिटी, वहाँ से निकल करके लगभग पहुँच चुके हैं गुलावट लोटस वैली के आसपास। 5 से 6 किलोमीटर है, थोड़ा सा इंदौर से बाहर है। वहाँ उधर जाएंगे तो आप लोगों को सिंगल रोड मिलेगा,
हाँ लेकिन रोड ऐसा है कि नहीं कि मतलब सिंगल रोड रोड खराब, अच्छा रोड है। हाँ आप लोग फोर व्हीलर से भी अच्छे से ड्राइव कर लेंगे, टू व्हीलर से भी अच्छे ड्राइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। लेकिन इसमें है कि आप लोग यहाँ पे नाइट के लिए सुविधा नहीं है, आप लोगों को मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा, और इवनिंग जैसे कि सूर्यास्त होता है ना उससे पहले आपको निकलना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब भी आप लोग आए मॉर्निंग में आए, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक इंजॉय करेंगे, आप लोगों का पूरा डे कम पड़ जाएगा इंजॉय करते करते। जितना हम लोग पास जा रहे थे इतनी जो बारिश से बढ़ रही थी, लग रहा था काफ़ी तेज बारिश हो जाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग को जाना था। मौसम इतना ख़राब होते जा रहा था, लग रहा था अब तेज़ बारिश आएगी, अब तेज़ बारिश हम लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इधर ये भिंडी है, भिंडी बादल भी काफ़ी छाया हुआ है। लोटस विलेज से पहले एक होटल भी है जिसमें आप लोग जैसे बाहर से आते हैं तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। काफ़ी रुक सकते हैं लगभग वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर। फाइनली हम लोग आ गए। हाँ फाइनली हम लोग पहुंच गए। बरसात के मौसम है तब पर भी है ना, ये पानी नहीं है इसमें, इस तालाब में ये देखिए ये सूखा पड़ा है। बरसात के मौसम है तब पर हे भगवान बरसात मत लाओ, हे भगवान बरसात मत लाओ, हे भगवान बरसात मत लाओ, पानी किसी खेत होती है प्लीज भगवान मेरा बेटा। आप गए अरे इसमें लव की बुआ है बस आप लोग कहीं जाकर इस तालाब में ये हम लोग ये भी तो सूखा पड़ा है। देखिए इसमें भी सब्जी है, थोड़ा सा बारिश कम हुई ना तो ये जो साइड पे दिख रहे हैं ना काफी पानी भी भरा रहता है। अगस्त टाइम पे आएंगे ना आप लोग, अगस्त सितंबर काफी पानी भरा मिलेगा, इधर भी बोटिंग होती है। यहाँ का काफी ये नज़ारा देखे काफी इतना अच्छा लगता है। जब आप अंदर जाएंगे ना यहाँ पे बहुत सारे बनी हुई है प्री वेडिंग जैसा, जैसे आप लोग अपन प्री वेडिंग के लिए फोटो शूट करवाते हैं तो काफी अच्छा बने हुआ है। यहाँ पे जब भी आएंगे ना आप लोग यहाँ का मैगी जो है खाइएगा जरूर, वो तो काफी टेस्टी लगता है। देखिए क्या हम लोग गाड़ी प्यारा, लगाने हम वाले लोग साइड यही घूमने आए हैं। पहले सोच रहे हैं कि ऊपर एक ब्रिज जो कि वहाँ से आगे है ना, आप लोग दिखाने में कहाँ बोर्डिंग कर सकते हैं साइड में, पहले आप लोग दिखा दी फिर अपन गाड़ी लगाएंगे। हाँ खिंचवाएंगे पहले इधर, इधर वाला तालाब है काफी भीड़ लगी रहती है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, व्यू देखने के लिए, फोटो शूट करवाने के लिए, बोटिंग करने के लिए। देखिए इसी में हम लोग बोटिंग करेंगे, आप लोग भी आएंगे ना तो बोटिंग करने के लिए काफी अच्छा चीज है। आप लोग जाने वाले तो ये साइड में यहीं से लोग करते बैठते हैं दिखाते हैं आप लोगों को, देखो बोटिंग कर रहे हैं लोग।
आप लोग बताइए कौन किसको किसको बोटिंग पसंद, अगर जिसको बोटिंग पसंद हो जरूर आएगा नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग किसको सबसे ज्यादा पसंद है। रोज है, देखो यहाँ गुलाब है, इतनी गुलाब है ना, रोज थोड़ी ना गुलाब है, कमल है, कमल का मोटर का काफी फूल लगे हुए हैं अभी। ये आगा से कमल पूरा पानी, हाँ हाँ इधर ही बना ले पहले, पानी का लाइट रहेगा लेकिन रहेगा पूरा, हाँ चलो तो देखिए हमारे यहाँ बोटिंग हो रहा है। अब भाई अब चलते हैं अंदर जहाँ पे सारे चीज बनी हुई थी, वहाँ पे झूला झूलेंगे, झूला भी है साइकिल चलाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए कार है, मत बैठना है, थोड़ा सा बारिश हुई है ना कि काफ़ी गीला हो चुका है नीचे, तो सर मिट्टी है काफ़ी से सूखा हो गया, लेकिन आप गर्मी में आते हो ठंडी में आते हो बिल्कुल सूखा मिलेगा और काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है, थोड़ा सा बारिश हो रही है ना जिसके कारण से थोड़ा सा अभी भीड़ है ना नीचे में कम है। हम लोग पहुँचे भी तो इवनिंग में टाइम पहुँचे थे लगभग 3 बजे के आसपास, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। अब देखिए हमारे समर्थ बाबू ने वहाँ पे राइडिंग किया, पहले तो डर रहा था लेकिन उसको एक बार बता दिए तो फिर राइडिंग करने लगा। ये दोनों हाथों से पकड़ के राइडिंग करने लगा। अब ऐसा हुआ था दोस्तों, एक बार हम लोग राइड करा दिए इसको, फिर बार बार बोला जा रहा था, मतलब जब तक हम लोगों ने वहाँ तक रुके वहाँ तब तक राइडिंग बोल रहा था कि राइडिंग करना है, राइडिंग ही करना है। ये भैया पीछे से रिमोट से राइडिंग करवा रहे थे। तेज मारो, एक बार चलाती तो है ही फालतू में टाइम पर, अरे चलाओ ना चलाते जाओ। और ये मारोगे जब नाम आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दो को एक बार गिर गई, निकनेम टप्पू है लेकिन हम उसे इसका जो साइकिल साइकिल डॉक्यूमेंट पे नाम उसे खुशबू है, लेकिन हम लोग टप्पू प्यार से टप्पू टप्पू बोलते हैं, टप्पू जैसा शराब करते हैं, इसके लिए इसका नाम रख दिया टप्पू, बहुत बदमाशी करते हैं। आइयो करवाने के लिए नीचे गीला हो चुका था ना इसको लेकर काफी सर से साइकिल नहीं चल पा रही थी, गिर जा रही। अब समझ पा रही छोटे छोटे बोला कि झूला अकेले झूलना है, अकेले झूला झूला है। फाइनली हम लोग सभी लोग एक बार बैठ करके झूला झूले, तो आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो और यहाँ का लोकेशन कैसा लगा। तो आप लोग इसी तरीके से हम लोग का सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग का नए से नए प्लेस को हम लोग दिखा सके, आप लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग नए से नए कंटेंट बनाएंगे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।